All right, hey guys, what's up everybody, this side Pirate XP. I'm back with again new tutorial और मेरे चैनल का नाम हाउ टू एडिट है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे सार्विन नाम से ढूंढ सकते हैं. पायरेट एक्सपी मेरा गेमर नेम है, सो मैं यूज़ कर लेता हूँ इसे पबजी में. अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो ज़रूर आइए, खेलेंगे टीडीएम क्लासिक जो भी खेल रहा हूँ आपने, ठीक है. और हम बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और ये ट्यूटोरियल है ग्लो के लिए. ग्लो कैसे बनता है और कैसे होता है ग्लो, सो यहाँ मैं अपनी इमेज को सबसे पहले कर देता हूँ क्रॉप और इसे मैं करूँगा अलाइन, लाइक कि मेरे को कैसा चाहिए ग्लो और किस पॉइंट पे चाहिए. मेन ये गोल्डन रेशियो जो मैंने यूज़ करा है, इसका रूल होता है कि जो आपको सबसे टॉप लेफ्ट में दिख रहा है पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, तो उसको हमें उस जगह रखना होता है जहाँ हमें ग्लो दिखाना है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ऑडियंस का अटेंशन ज़रूर जाता है और लोग समझ पाते हैं कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है. तो वो चीज़ मुझे पॉइंट आउट करने के लिए गोल्डन रेशियो यूज़ करना पड़ता है. आप भी यूज़ करें, बहुत सही है फीचर और मैं चाहूँगा कि आप सब ये गोल्डन रेशियो नेट पे भी पढ़ें. अब मैं सेलेक्ट करूँगा अपने जिस टेक्स्ट को मुझे ग्लो करना है, जैसे सैंडिस प्लस को मुझे ग्लो करना है, तो मैं ध्यान ध्यान से सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये लेसो टूल से, और ईज़िली मैं वहाँ तक सेलेक्ट कर गया, ठीक है. अब मैं इसे सेलेक्ट करना है और नीचे वाली बिल्ड लेयर सेलेक्ट कर लिया और कलर रेंज में जाना है. कलर रेंज एक ऐसा पार्ट है जहाँ फोटोशॉप अपने कलर के हिसाब से सिलेक्शन खुद लेता है. अब यहाँ फजीनेस एडजस्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट है. घबराइए ना, अगर नीचे का टेक्स्ट आपको दिख रहा है तो वो नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि आपने वहाँ सिलेक्शन दे रखा है कि मुझे यहाँ यहाँ इतने ही एरिया में सिलेक्शन चाहिए. आपने एरिया डिफाइन कर रखा है तो फोटोशॉप उतने ही एरिया का आपको सिलेक्शन देगा. देखिए यहाँ पे अब SSD प्लस सेलेक्ट हो गया है, पूरा लिखा हुआ. अब जस्ट मैं आता हूँ न्यू लेयर जो मैंने बना रखी थी पहले से, वो इसीलिए बनाई थी, और जस्ट अब मुझे उस पर पेंट कर देना ऑल डिलीट दबा के, और वाइट कलर यहाँ पेंट हो गया. आप देख सकते हैं कि जैसे कितना फ्रेश हो गया, वो वहाँ पर पहले ग्रीन कलर का था, ठीक है. अब आप चाहे इसे कलर को भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और रेड ग्रीन जो भी आपको पसंद आता है. अगर नहीं है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आगे कलर ओवरले, और यहाँ जो भी पसंद का आपका कलर लगे वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और उसे आप ग्लो कर सकते हैं. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर आप कुछ भी ग्लो कर सकते हैं, जस्ट फोटो को आपको अराउंड वहाँ पर सही से रखना है और सिलेक्शन सही करना है. अब आता हूँ मैं मेन पॉइंट की तरफ. यहाँ मैं इस लेयर को ग्लो का नाम दे देता हूँ. यहाँ लेयर सेलेक्ट करनी है मुझे और यहाँ लट देखना है सबसे पहले, तो नाइट फ्रॉम डे ये बहुत ही अच्छा लट है और हजार बार काम आया होगा मेरे हर चीज़ में. सो इसकी ओपेसिटी ड्रॉप करके मैं किसी भी डे सीन को नाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो बहुत ईजी होता है ये मेरे लिए. अब यहाँ कर्व्स को मैं थोड़ा और गिरा देता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ की विजिबिलिटी नहीं चाहिए कि ये दिखे ये दिखे ये दिखे वो दिखे. तो कर्व से मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ जो भी पॉइंट मुझे नहीं चाहिए. अब यहाँ बढ़ता हूँ मैं ग्लो की तरफ. तो ग्लो जो मैंने यूज़ कर रखा है, इसकी मैं बनाऊँगा सबसे पहले दो तीन चार लेयर बनाऊँगा मैं, ठीक है. तो हर चीज़ और ये जो चौथी लेयर होगी ये बैकअप की तरह होगी और मैं इसे ऑफ़ कर दूँगा.
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सबको अलाइन कर देता हूँ वापस से। अब यहाँ ग्लो को मैं करूँगा 2%, ठीक है। मुझे कितना परसेंट गॉसियन ब्लर डालना है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10%, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 30%, ठीक है। तो ये ग्लो की एक लाइनिंग है जो आपको याद करनी है, मैं ऐसे लाइन करके नहीं लिखता, मेरे को याद रहता है हमेशा लेयर में क्या क्या डालना है। तो जस्ट आप ग्लो देख के बता देंगे कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अब गॉसियन ब्लर में जाना है, रेडियस 2 पुट करना है और जस्ट क्लिक करना है। अभी आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, थोड़ी देर रुक जाइए बस, आपको थोड़ी थोड़ी देर में दिखता जाएगा। 10, फिर 30, ठीक है। अब थोड़ा सा वहाँ पॉप सा हो गया इफेक्ट, कि लग रहा है कि हाँ चलो ग्लो आ गया है यहाँ पे। अब इस ग्लो को और अच्छे से दिखाने के लिए आपने क्या करना होगा, ये देख सकते हैं आप, ग्लो अभी इतना पॉइंट पे, ये था हमारा स्टार्ट, ये अभी अच्छे से ग्लो नहीं हुई है हार्ड ड्राइव जो मुझे चाहिए। अब मैंने उसी को कॉपी करा और अब मैं बड़ा ब्लर करूँगा, 30 से अराउंड मैं जाऊँगा, 90 बेटर रहेगा। तो देख सकते हैं वो फेडेड ग्लो कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पे, एकदम से ही जो इफेक्ट आया उसमें। अब मैं 10% को भी करूँगा, 10% वाला और अच्छा इफेक्ट देगा। सो ये एक पॉइंटेड आउट से ब्लर है जो मेरे बहुत प्रैक्टिस के बाद पता चला है, तब जाके मैंने इतना सब करा है। तो इसके लिए प्लीज़ ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लर और अच्छा दिखे, तो मुझे इस चीज़ के लिए एक नई लेयर बनानी है। ब्रश सेलेक्ट करना है, एक अराउंड हार्ड ब्रश, सो एक ऐसी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट टाइप सी। अगर आप मेरे से भी नहीं होती अभी इतनी जल्दी, तो शिफ्ट दबा के मैं लाइन से ज़रूर कर लेता हूँ। सो यहाँ लाइन बन गई थी मेरे से टेढ़ी, तो मैंने फिर से करी थी शिफ्ट दबा के, एक लाइन क्रिएट करी थी, फिर उसी को 2-3 बार ओवरले कर लिया था कि एक परफेक्ट हो जाए। बाद में मैं इसे मास्क आउट भी कर सकता हूँ, सो अभी के लिए मेरे लिए बहुत सही है। और फिर सेम रूल जो हम अपनाते हैं, 3 लेयर और फिर उनको ब्लर। सब एजेस को मास्क आउट करने का टाइम आ गया, तो सबसे पहले मैं इन तीनों लेयर को कमांड ई दबा के मर्ज कर लेता हूँ, और फिर इन पे डालता हूँ एक मास्क और एक ब्लैक ब्रश सॉफ्ट लेके आराम से एजेस को फैदर आउट करता हूँ कि ऐसा लगे कि ये HD+ में से ग्लो निकल रहा है। आप देख सकते हो वो कितना प्यारा ग्लो लगने लगा है वहाँ पे। अब उसी को ही कॉपी करके मेरे को नीचे लेके आना है अदर साइड, क्योंकि एजिस पे वहाँ पे भी आया तो नीचे भी आएगा, जाहिर सी बात है थोड़ा कम आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। यहाँ पे एक कॉपी ही रखता हूँ मैं, और वहाँ पे उसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ऊपर वाली लेयर को। तो यहाँ दोनों इंटेंसिटी बढ़ गई है अप एंड डाउन में, कि ऊपर इंटेंसिटी ज़्यादा है, और इसे थोड़ा ब्लर भी कर देते हैं हम, 30 था तो अराउंड 90 सही रहेगा। देख सकते हैं आप वहाँ इफेक्ट कितना प्यारा हो गया वो। सो आफ्टर एंड बिफोर है, आप देख सकते हैं इमेज का कितनी प्यारी हो गई है इमेज। यहाँ पे मैं कलर ग्रेड सेक्शन में आ गया हूँ, और यहाँ मैंने अलर्ट यूज़ कर रहा हूँ कि जो मेरे को बेस्ट लगे, जहाँ से ग्लो अच्छा है, तो मुझे ये वाला कलर और लट सही लग रहा है। लट
आप क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली, कोई इतना हार्ड काम नहीं है, ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लट यूज़ कर रहे हैं और आप में कितनी पोटेंशियल है कि आप कोई कलर बना सकते हैं। ये मैंने बहुत सारे लट्स बना रखे हैं, कई मैंने नेट से भी लिए हैं एज अ रेफरेंस, कि मुझे देखना पड़ता है कैसे कैसे मेरे कलर सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या बाकियों के कलर मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सब आप अराउंड देख सकते हैं, और क्लैरिटी से थोड़ा आप डार्कनेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट छेड़ के। वाइट्स ज़रूर काम करता है, वाइट्स आप ज़्यादा रखेंगे तो ग्लो ज़्यादा दिखेगा, हाईलाइट ज़रूर रखेंगे तो ग्लो अच्छा दिखेगा, प्योर दिखेगा। तो हाईलाइट्स हमेशा थोड़ा 2-3+ में ही रखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में कितना अच्छा चेंज आ गया है। और जिन जिन को ये PNG चाहिए, तो नीचे लिंक दे रखी है मैंने, लिंक ट्री नाम से होगी, जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ ये PST ज़रूर पड़ी होगी आपके डाउनलोड के लिए, क्योंकि बाकी मेगा वी ट्रांसफ़र ये सब फाइल्स रिमूव कर रखते हैं, कम से कम वहाँ पे सेफ तो रहती है। टेलीग्राम में ग्रुप में आप आइए, डाउनलोड करिए, सारी चीज़ें हैं, कोई पैसे का झंझट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल या किसी भी आदमी का चाहिए कि हाँ मुझे इस बंदे के जैसी एडिटिंग सीखनी है, तो प्लीज़ ज़रूर उसे कमेंट डाउन करें या मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजें कि मुझे ऐसी एडिट चाहिए, तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा उस एडिट के बारे में। अनलेस मेरे को फ़ोटो मिलती है, अनस्प्लैश पे ढूंढूंगा मैं उस टाइप की फ़ोटो, क्योंकि अगर मैं उन्हीं बंदों की यूज़ करूंगा तो वो कॉपीराइट और प्लैगरिज्म आ जाएगा, जैसा विजय मार बोलते हैं, खुद दूसरों की कॉपी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड पीस। बुरी लगी हो बात तो यार, कोई नहीं।